हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच में होने वाला फर्स्ट ओडीआई मैच का प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम। हालांकि मैं ऑलरेडी आपके लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूं पहले ओडीआई का, लेकिन फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो मोहम्मद शहजाद हैं अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन, वो इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं क्योंकि उन पर एक मैच का बैन लगा हुआ है। और ये इंसिडेंट कब हुआ वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो इससे पहले कि मैं आप सबको ये न्यूज़ बताऊं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले उस न्यूज़ की बात करते हैं जो कि मोहम्मद शहजाद के बारे में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद शहजाद गेट्स वन ODI बैन फॉर ब्रीचिंग कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं ये इंसिडेंट। फ्रेंड्स डोमेस्टिक मैच जो चल रहा था जुलाई में, अफ़गानिस्तान में ODI मैच चल रहा था, उसमें अंपायर की डिसीजन पे इन्होंने नाराज़गी जताई थी, जिसकी वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पे एक मैच का बैन लगा दिया है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान आर ड्यू टू टूर आयरलैंड इन अगस्त फॉर 3 T20 एंड 3 ODI सीरीज। द बैन मीन शहजाद विल मिस द ODI सीरीज ओपनर शेड्यूल फॉर अगस्त 27। तो ये रहा आपके लिए एकदम कन्फर्म न्यूज जो कि आज अगस्त 27 है और आज का मैच ये नहीं खेलने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप अपनी टीम में इन्हें रखें तो प्लीज़ इन्हें हटा दें। तो आइए अब क्या चेंजेज हो सकते हैं शहजाद की जगह पे, वो मैं बता दूं आपको। यहाँ से गुलबदीन ऐप अब 100% ओपन करेंगे, उनके साथ अब शहजाद की जगह पे जावेद अहमदी आपको ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं। बाकी रहमत शाह, असगर अस्तनिकजाई, समीउल्ला शनवारी के ज़्यादा चांस है यहाँ से। फिर मोहम्मद नबी, नजीबुल्ला जदरान, राशिद खान, आफ्ताब आलम और वफादार में से कोई एक, और फ्रेंड्स यहाँ से मुजीबुर रहमान और दौलत जादरा। तो ये अब चेंजिंग है, फिर से बता दूँ जावेद अहमदी मोहम्मद शहजाद की जगह पे आ चुके हैं। तो आइए अब वो ड्रीम 11 में क्या चेंज कर सकते हैं उसके बारे में मैं बता दूँ। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैंने बताई है, तो अगर अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ एक लाइक कर दें क्योंकि मैं अपडेट कर दे रहा हूँ आपको। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मोहम्मद शहजाद की जगह पे जो मैंने मोहम्मद शहजाद को पहले रखा था, तो अब उनकी जगह पे मैंने गैरी विल्सन को रख लिया है, जो कि मैंने अपडेट ऑलरेडी कर दिया अपनी ड्रीम 11 टीम में। गैरी विल्सन को मैंने यहाँ से रख लिया, आप यहाँ से नेल ओब्रायन को भी रख सकते हैं। ये दोनों में से अभी यही दो ऑप्शन बचे हैं, आप जिन्हें रखना चाहें गैरी विल्सन या नेल ओब्रायन, ये आपके ऊपर है, रख लें। उनकी जगह पे फ्रेंड्स जो मैंने असगर अस्तनिकजाई को छोड़ा था, तो मैंने यहाँ से असगर अस्तनिकजाई को रख लिया जो कि कैप्टन है। फिर नजीबुल्लाह जदरान, पॉल स्टर्लिंग और रहमत साद, ये चार बैट्समैन को मैंने रखा है। विलियम पोटरफील्ड आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है। अब यहाँ से आप जावेद अहमदी को भी रख सकते हैं जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। और फ्रेंड्स ऑलराउंडर में जो मैंने बताया कि गुलबदीन नायब फ्रेंड्स जो कि आप 100% ओपनिंग करेंगे, तो आप इनको रख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप सिर्फ 16% इनको रखें जो कि बॉलिंग भी करेंगे, तो अगर आप इन्हें रखना चाहते हैं तो ज़रूर रख लें अपनी टीम में, ये एक अच्छे प्लेयर आपके लिए साबित हो सकते हैं। यहाँ से आप केविन ओब्रायन या फिर सिमी सिंह को हटाकर गुलबदीन नायब को रख सकते हैं। आपको बता दूं फ्रेंड्स अभी भी मोहम्मद शहजाद का रेशियो देखिएगा तो 66% लोगों ने अभी भी इनको रखा हुआ है। अगर आप इन्हें अभी भी रखते हैं तो प्लीज़ हटा दें क्योंकि ये आज का पहला मैच नहीं खेलने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं एक बार फाइनल प्रीव्यू की। कैप्टन मेरे मोहम्मद नबी और वाइस कैप्टन राशिद खान। फाइनल प्रीव्यू की बात करें तो अब शहजाद की जगह पे विल्सन, फिर पॉल स्टर्लिंग, रहमत शाह, नजीबुल्लाह जदरान, असगर अस्तनिकजाई, नबी, सिमी सिंह, ओब्रायन, केविन ओब्रायन, राशिद खान, मुजीबुर रहमान और जॉर्ज डॉकरेल। तो ये है फर्स्ट टीम की मेरी प्लेइंग 11। अब आइए बात करते हैं सेकेंड टीम में। जो मैंने मोहम्मद शहजाद को कैप्टन बनाया था वहाँ से मैंने एडिट करके आप देख सकते हैं यहाँ से नेल ओब्रायन को मैंने रख लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे विलियम पोटर, ये बैट्समैन को मैंने सेम रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने केविन ओब्रायन को स्किप करके सेकेंड टीम में गुलबदीन नायब को मैंने रख लिया जो कि ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक चेंजिंग किया मैंने, केविन ओब्रायन की जगह पर गुलबदीन नायब और शहजाद की जगह पर मैंने यहाँ से नेल ओब्रायन को पिक कर लिया है। और यहाँ से ये तीन बॉलर राशिद खान, मुजीबुर रहमान और पीटर चेज रहने वाले हैं। तो इस सेकेंड टीम का भी मैं फाइनल प्रीव्यू दिखा दूं। जो कैप्टन मैंने शहजाद को बनाया था तो अब कैप्टन मैंने राशिद खान को बना दिया और वाइस कैप्टन मेरा सेम है पॉल स्टर्लिंग। आइए सेकेंड टीम का जो मैं प्रीव्यू दिखा दूँ, नेल ओब्रायन, पॉल स्टर्लिंग, विलियम पोटरफील्ड, अस्तनिकजाई, नजीबुल्लाह जदरान, मोहम्मद नबी, सिमी सिंह, गुलबदीन नायब,
राशिद खान, पीटर चेज और मुजीबुर रहमान। तो ये है सेकेंड टीम की, मेरी ड्रीम इलेवन टीम। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये अपडेट, ये न्यूज़ जो मैंने दी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या मैं आपके लिए सही काम कर रहा हूँ या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।